स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे आयन प्रोपल्शन के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो आयन प्रोपल्शन को समझने से पहले आपको प्रोपल्शन का फिजिक्स समझना पड़ेगा कि तिगड़म हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये हमारे न्यूटन साहब जी हैं, इन्होंने एक सिंपल आइडिया बताया दुनिया को कि एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। इसी से रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और कुछ नहीं है, कोई तिगड़म नहीं है। आज जैसे आप बलून में हवा भर के छोड़ते हैं तो हवा जो निकल रहा है वो बलून को आगे ठेल रहा है, रॉकेट भी वही है। तो ठीक है, आपका ऐसे करके फिजिक्स समझ में आ गया कि जैसे आप एक्शन पीछे फेंक रहे हैं, रिएक्शन होगा, आप आगे जा रहे हैं। यही है रॉकेट इंजन का काम, यही होता है रॉकेट। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसमें क्या क्या मैथमेटिकली लगता है, वो आप ये समझिए कि आप क्या फेंक रहे हैं, कितना फेंक रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप 10 किलो फेंक रहे हैं, मतलब स्पीड अगर आपका सेम है, आप कितने स्पीड से फेंक रहे हैं वो सेम है। आप 10 किलो फेंकिएगा ज़्यादा दूर फेंकाइएगा, और वर्सेस मतलब उसको अगर 1 किलो आप फेंक रहे हैं तो कम ही दूर फेंकाइएगा। ये सीधा है, पहला कितना फेंक रहे हैं, दूसरा उसको कितना तेज फेंक रहे हैं। ये दोनों को अगर आप बहुत आगे रख सकते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जनरली ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। या तो आप बहुत ज़्यादा फेंकिए, जैसे ये सब रॉकेट है 90% फ्यूल इसीलिए होता है कि मतलब उतनी छोटा सा एकदम जो ऊपर में छोटा सा चीज़ है उसको भेजने के लिए ये इसका ये 1000 टन लगभग ईंधन उड़ा देता है, ताकि बहुत ज़्यादा फेंक रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकिए ताकि आप जा सकें। तो आपके पास यही दो ऑप्शन है, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन है, और आपको या तो बहुत ज़्यादा चीज़ पीछे फेंकना है या तो बहुत तेज़ी से फेंकना है। तो आयन थ्रस्टर यहाँ पे आता है, और आयन थ्रस्टर्स ये समझिए कि वो ऑक्सीडेशन को हटा के आयनाइजेशन का इस्तेमाल करता है ना। ऑक्सीडेशन तो आपको पता ही है कि जब भी कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि जलना। तो जैसे आप किरोसिन जलाते हैं, जो कि RP-1 है, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ जलता है, ऊर्जा देता है और आगे निकल जाता है। और इसी तरह से आप ये समझिए कि कुछ भी हो, आप हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नाइट्रोस ऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको एंड में ऑक्सीजन से ही मिला रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ही आपका मेन काम कर रहा है। ये आयन इंजन में वो ऑक्सीडेशन का स्टेज ही नहीं है, उसको आप पूरा स्टेज ही हटा डालें। तो ऑक्सीडेशन की जगह पे आप आयनाइजेशन कर रहे हैं। जैसे कि आपको ऑक्सीडेशन के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, ईंधन और ऑक्सीजन। ठीक है, आपको ईंधन कुछ भी हो, किरोसिन हो, मीथेन हो, लिक्विड हाइड्रोजन हो, आपको ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना। वैसे ही इसमें भी दो चीज़ चाहिए होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रिसिटी जो आयनाइजेशन के लिए चाहिए, दूसरा आप आयनाइज किस चीज़ को कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बस हवा में रख दीजिएगा, कुछ होगा नहीं, आपको कुछ आयनाइज करना है ना। आप ऐसे रख के कीजिएगा, अर्थ में तो होगा क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण है, एटमोसफेयर है, हवा का दबाव है, तो हवा आयनाइज होने लगेगी। लेकिन अंतरिक्ष में मैं बात कर रहा हूँ तो आपको कुछ चाहिए, आयनाइज करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। तो जब भी आप आयन प्रोपल्शन का फ्यूल्स के बारे में सुनिएगा तो उसको फ्यूल के बारे में वो वही बता रहे जिसे आयनाइज किया जा रहा है। आयनाइज करने के लिए एनर्जी ये कहीं से भी ला सकते हैं, जनरली सोलर पैनल से लाया जाता है। तो ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है इतना तिगड़म क्यों कर रहे हैं। पहला, माइलेज। रॉकेट का माइलेज को स्पेसिफिक इंपल्स में नापा जाता है। ठीक है, और आप ये समझिए कि केमिकल का जो रॉकेट है जो कि ऑक्सीडेशन पे चल रहा है, 500 या 600 अगर स्पेसिफिक इंपल्स अगर वो पहुंच गया, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब उतना बढ़िया रॉकेट तो बना ही नहीं है, मतलब ऐसा समझ लीजिए। ये माइलेज बहुत बढ़िया है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर 1 टन ईंधन है इसके पास, तो 1 टन ईंधन से ये कितना टॉप स्पीड पे जा सकता है वो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, वो तो 400-500 आप मान लीजिए है। ये जनाब जी स्टार्ट ही होते हैं 1500 से, और 10 से 20,000 तक जाना पॉसिबल है इनके लिए। तो समझ लीजिए माइलेज के मामले में तो इससे सोचना है, मतलब अगर इनको आप 1 टन दीजिए ईंधन, जो ईंधन ये चाहते हैं, और 1 टन ईंधन आप उसको दीजिए नॉर्मल रॉकेट में, ये इतना स्पीड पकड़ लेगा एंड में कि आपको सोचना नहीं है। लेकिन इसका एक कीमत भरना पड़ता है, ये कीमत ये है कि इसका थ्रस्ट जो है बहुत कम होता है, मिली न्यूटन्स में बात होती है। जैसे आपको पता ही रॉकेट के बारे में सब लोग आज बोलते हैं 5 मेगा न्यूटन, 10 मेगा न्यूटन, 100 मेगा न्यूटन बात करते हैं, या मतलब किलो न्यूटन, एक एक रॉकेट इंजन 70 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट दे रहा है। ये सब मिली न्यूटन्स से माइक्रो न्यूटन्स तक में चला जाता है, मतलब बहुत थोड़ा थ्रस्ट देता है। और ये इतना कमज़ोर है कि आप धरती से तो इसको फायर कर ही नहीं सकते, मतलब आप धरती में आयन इंजन इस्तेमाल किया कुछ होगा नहीं, और अगर आप बहुत मेहनत भी किए तो भी वो ले नहीं जा पाएगा ऊपर, बहुत कम थ्रस्ट देता है। अंतरिक्ष में इसलिए काम करता है कि हवा नहीं है तो स्लो नहीं हो जाएगा, मतलब ड्रैग के कारण आपको ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करना है। तो ये कीमत भरता है कि बहुत धीरे से थ्रस्ट मिलता है, मतलब इसको चला के छोड़ दीजिए, लाइक छोटा सा एकदम करके चलता रहेगा।
तो इसका फायदा क्या है? अगर ये जमीन से उठा भी नहीं सकता तो फायदा क्या है? तो सबसे पहले ये समझिए कि इसका ईंधन का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। तो मतलब जैसे मान लीजिए आप सैटेलाइट रख दिए ऑर्बिट में, उसका ऑर्बिट के लिए हम लोग कहते हैं स्टेशन कीपिंग। स्टेशन कीपिंग के लिए थोड़ा ईंधन जलाया जाता है कि भैया वो वापस उसका ऑर्बिट मेंटेन रह सके, तो उसके लिए आपको ईंधन डालना पड़ेगा। तो आप समझिए सैटेलाइट में आपका एक लिमिट है कि भैया मेरा सैटेलाइट 10 किलो का होना चाहिए। तो अब उस 10 किलो में आप 5 किलो का ईंधन तो नहीं डालिएगा ना, बोले सैटेलाइट ही आपका कोई काम का नहीं रह जाएगा अगर उतना छोटा उतना जगह अगर आप ईंधन को दे दिया। तो ये जो कि ईंधन बहुत कम इस्तेमाल करता है, इसलिए मतलब कुछ किलो में आपका काम निपट जाएगा, मतलब 1-2 टन की जगह आपको कुछ किलो में काम निपट रहा है। तो इसलिए कोई भी जो इसको इस्तेमाल करता है उसको ये फायदा मिल जाता है कि भैया ठीक है, मतलब आपका जो भी वजन आप रॉकेट के ऊपर रख के फेंके स्पेस में, उसमें आपको कितना ईंधन चाहिए था वो बहुत कम हो गया। ठीक है, दूसरा, ये रॉकेट इंजन जो कि बहुत कम पावर देता है लेकिन ये कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है। जैसे ये इंजन है जो डॉन स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल, डॉन या डीप, मतलब बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल किया गया, ये चला के आप छोड़ सकते हैं। रॉकेट इंजन एक तो ईंधन इतना स्पीड से खाता है कि फ्यूल आप दे नहीं सकते उसको कंटिन्यूअसली, मतलब वो पूरा टैंक 5 से 6 मिनट में ख़त्म कर देगा। और अगर आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टैंक दे भी दिया, मतलब अंतरिक्ष में ही जोड़ते गए आप बहुत लाख करोड़ लीटर का आप टैंक बना दिए, वो आप चला नहीं सकते बहुत लंबा देर, क्योंकि इंजन पिघल जाएगा। मतलब कितना भी बढ़िया बनाए वो या तो फटेगा या तो पिघलेगा। तो इंड्योरेंस के मामले में रॉकेट इंजन मतलब ये 5-6 मिनट तक ही चल सकता है। तो इसका इंड्योरेंस कई साल तक का जा सकता है, और जो जो अभी तक इस्तेमाल किया गया उसमें से कई सारे कई महीने तक कंटिन्यूअसली चले। 2-3 दिन कंटिन्यूअसली चलाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब 2-3 दिन तक इनका इंजन चलता रहेगा। तो इंड्योरेंस के मामले में इसे तो बात ही नहीं करना है। प्लस ये बहुत जेंटल और कंट्रोलेबल है। तो जेंटल का तो आपको पता ही है, जिसमें थ्रस्ट है ही नहीं तो जेंटल तो हो ही गया। दूसरा कंट्रोलेबल है, जैसे कि आपको पता है कि रॉकेट के बारे में जब भी कोई बात करता है कि थ्रॉटेबल है इंजन है, तो थ्रॉटल ऐसा नहीं होता ना कि 0% से 100% तक है। थ्रॉटल जनरली 100% से 70% तक आप अप डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं दिया जाता आपको कोई रॉकेट इंजन कि हाँ एकदम 0 तक कम कर दी या 10% तक भी आ गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको मिलता है, तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा ही आपको स्टेशन कीपिंग करना है, आपको फालतू का ईंधन नहीं बर्बाद करना, ये आपको कंट्रोल दे देता है। ठीक है, थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल काफी मायने रखता है। और अगर इसका पार्ट्स देखना चाहते हैं कि कितने पार्ट्स हैं इसमें, बहुत कम पार्ट होता है, क्योंकि ये समझिए एक तौर से टीवी में जैसे होता था कैथोड रे ट्यूब, ये उसी टाइप का तिगड़म है कि मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन गन फायर कर रहा है जिसमें जीनॉन डाली जा रही है, दूसरा एक नेगेटिव ग्रिड है, आयनाइजेशन हो रहा है और उसको मैग्नेट से एक्सेलरेट किया जा रहा है, और इसमें ये भी बात हो जा रही है कि एक तरफ से पॉजिटिव आ रहा है दूसरी तरफ से नेगेटिव जा रहा है, तो ये काफ़ी एक्सेलरेशन मिलता है। फिर ये नेगेटिव साइड से जब निकल जा रहा है पॉजिटिव आयन्स, तो वापस ना खींच जाए, क्योंकि समझ रहे हैं आप नेगेटिव साइड से पॉजिटिव को फायर किए हैं तो वापस आ जाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रलाइजिंग इलेक्ट्रॉन गन आगे से लगाया जाता है जो इसको वापस ठंडा कर देता है, बेटा नहीं वापस मत जाओ, नहीं तो मतलब समझ रहे हैं आपका ऊर्जा बर्बाद हो जाएगा। इस कारण से इसमें पार्ट्स के हिसाब से देखिए तो कुछ है नहीं, मतलब मैग्नेट है ठीक है, चेंबर है ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि बहुत सारा ईंधन है, खूब सारा पाइप है जिसमें फ्यूल चल रहा है, खूब सारा मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत कम पार्ट्स होता है इसमें। तो ये सब इसका फायदा है। तो इसका नुकसान है, हाँ सबसे बड़ा नुकसान तो आपको पहले बताया कि ये बहुत कमज़ोर है। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अंतरिक्ष में काम कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप सैटेलाइट है आप, तो जैसे मेरा ऑर्बिट का एपिसोड जो मंडे को पिछले मंडे को देखा होगा कि डिबरी होती है अंतरिक्ष में जो कि काफ़ी सारे कचरे उड़ रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए अगर आप ये इंजन फायर किए आपका कुछ होने वाला नहीं, आप भिड़ जाइएगा उसको, मतलब समझिए 1-2 दिन लग जाएगा वापस हटने में। तो आपको मान लीजिए कुछ पकड़ाया कि अरे ये 30 मिनट में भिड़ने वाला है, ये इंजन आपके कोई काम का नहीं है। ये अंतरिक्ष में है तब भी, तो ये समझिए ऐसा नहीं कि ये धरती से नहीं निकल सकता, ये अंतरिक्ष में भी बहुत धीरे काम करेगा। दूसरा, ये पावर लिमिटेड है, मतलब जैसे मैंने ये दो पार्ट इसको भी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए था और किरोसिन चाहिए था, इसको भी वही है जो भी इसका गैस है जैसे कि जीनॉन गैस है, और उसको एनर्जाइज करने के लिए, उसको आयन में बदलने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, वो ऊर्जा लिमिटेशन बनाती है। जैसे मान लीजिए ठीक है आपका फ्यूल टैंक तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन अब आपको बहुत बड़ा सोलर पैनल लगाना पड़ जा रहा है, तो आप मतलब को फायदा क्या हुआ? दूसरा, सोलर पैनल तो ठीक है सैटेलाइट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको पता है कितना ऊर्जा मिलेगा, लेकिन आप मान लीजिए धरती से बाहर जा रहे हैं, मतलब पूरा सोलर सिस्टम के आगे जाने के स्टडी करना चाहते हैं, जैसे आप मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस तक जाना चाहते हैं या प्लूटो तक जाना चाहते हैं, वहाँ तक जाने पर सोलर एनर्जी का तो कोई मतलब नहीं है, तो आप पावर कैसे दीजिएगा? और उसके बाद ये भी समझिए कि सैटेलाइट पे तो कुछ किलो ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो ये ईंधन इस्तेमाल कर रहा है किरोसिन लिक्विड ऑक्सीजन ये सब बहुत सस्ता है, ये बहुत महंगा आता है जीनॉन,
तो आप बोलिए ज़ीनॉन तो यार अपने बल्ब सब में इस्तेमाल होता है, ज़ीनॉन फ्लैश लाइट आती है, सब आती है, ठीक, उसमें कुछ थोड़ा सा ज़ीनॉन इस्तेमाल किया गया है जो इसके स्पेस प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल किया, तो ज़ीनॉन बहुत महंगी होती है। और अगर आप इंसान को भेजना चाहते हैं, मतलब मार्स जाने के लिए आप रॉकेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो मतलब आयन पर चले, तो आपको कम से मतलब कई हज़ार टन नहीं चाहिए लेकिन कुछ 100 टन तो चाहिए ना, तो वो तो बहुत महंगा हो जाता है। तो और अभी कोशिश की जा रही है कि ज़ीनॉन की जगह पर आर्गन का इस्तेमाल किया जाए, ताकि आर्गन बहुत सस्ता होता है, तो तिगड़म है इसमें, ऐसा नहीं कि एकदम सब चीज़ बहुत भला है, तिगड़म है। तो हम लोग भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में, तो सबसे सिंपल है कि अभी जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है नासा का किलो पावर के बारे में, कि जैसे ही नासा वो किलो पावर रिएक्टर अगर अंतरिक्ष में इस्तेमाल करने लगता है तो फ़ायदा ये होता है कि सोलर पैनल का वजन हट जाएगा, ठीक है। और सोलर पैनल के बाद सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि आप लगा भी दिए तो उसका ऊर्जा घटते जा रहा है, आपका वजन तो वही रह गया लेकिन आपका ऊर्जा घटते जा रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो किलो वाट है ये 10 किलो वाट तक दे सके। तो मान लीजिए आपने रख दिया कि भैया 1 किलो वाट पर मेरा कंप्यूटर चल रहा है, मतलब जो कम्युनिकेशन है, जो पेलोड सिस्टम है वो चल रहा है, और 9 किलो वाट का मैं थ्रस्टर चला रहा हूँ, तो वो 9 किलो वाट आप थ्रस्टर बहुत लंबा टाइम तक चला सकते हैं और बहुत दूर जा सकते हैं। इस बात पर आप एकदम ध्यान दीजिए कि ये इंजन अगर आप सीधे रेस में लगाएंगे कि ठीक है अभी दौड़ो, ये मतलब नॉर्मल रॉकेट इसको कब का पीछे छोड़ देगा, लेकिन नॉर्मल रॉकेट का ईंधन भी कुछ मिनट में खत्म हो जाता है। ऐसे गया खत्म हो गया, हाँ इसका स्पीड जैसे 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा ये पकड़ लिया, ठीक है बहुत बढ़िया, ये स्टार्ट होगा, हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोले बड़ा तो धीरे चल रहा है, हाँ 1 हफ्ते बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 हफ्ते बाद 1,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ऐसे करते करते 1-2 महीने बाद देखिएगा तो ये 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल गया, जबकि रॉकेट का पकड़ा पिकअप बहुत तेज था लेकिन ये स्पीड पकड़ेगा। और आप जैसे मान लीजिए बहुत दूर जाना है, जैसे प्लूटो तक जाना है, तो केमिकल रॉकेट जनरली 10 साल लेता है, और वो भी एक 5 से 6 साल में आप भेज सकते हैं, लेकिन ये होगा कि वो ऑर्बिट में फंस नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा। इस केस में आप उसको 2-3 साल तक कम कर सकते हैं कि मतलब एकदम, लेकिन आपको न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए क्योंकि सोलर पैनल प्लूटो पे काम नहीं करता है। तो इस कारण से अगर न्यूक्लियर रिएक्टर अच्छा से बनने लगा, मतलब स्मॉल लाइट वेट न्यूक्लियर रिएक्टर बनने लगा, तो आयन इंजन्स का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। दूसरा, अभी जो आयन इंजन्स मार्केट में है, मतलब जो सैटेलाइट में इस्तेमाल किया गया है या जो लैब में काम किया, वो सब बहुत छोटा है, मतलब वो सैटेलाइट के लिए बनाया जा रहा है, इंसानी मिशन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, तो समझिए साइज़ के मामले में बहुत छोटा है। काम चल रहा है, काम किया जा रहा है कि 1-2 मेगावाट का रिएक्टर बनाया, मतलब 1-2 मेगावाट पे काम किया जा रहा है कि 1-2 मेगावाट का थ्रस्टर बनाया जाए, तो काम चल रहा है, लेकिन अभी समझिए कि ये गाड़ी में थोड़ी देर है, तो इस गाड़ी पे आप बहुत वजन नहीं लगा सकते। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आयन इंजन के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए मेरे वीडियो में और आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड में रॉकेट मंडे के, और आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला हो जाएगा। और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।